सीमांकन किया है इसका, ये 459 का अस्थगन है। अच्छा, अब बस यह सदा यारह, तो सदा यारह अब कहाँ है उसी को देखने के लिए हम लोग सीमांकन कर रहे हैं। हाँ तो सर, आवास हमारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना आया है जो नहीं नगर पंचायत में है सर, शहरी आवास है। और कुछ इसमें जो पटीदार से विवादित न्यायालय में विचारधीन है 459, और जो आबादी हमारी मकान का है वो मतलब इसमें भू माफिया लोग हैं कुछ है। इसमें सुजीत बर्नवाल हैं, दिलसाद अहमद है, पुत्र मुंशी है, और सुजीत बर्नवाल पुत्र सीताराम, और अकरम खान पुत्र अफजल खान जो सामने अभी आपके हैं, आपको मैं कैमरामैन से कहूंगा कि हम लोग उपस्थित हैं सरायमीर में, नोनिया टोला मोहल्ला है। इसमें जो है एक पैमाइश हो रही है, काफ़ी विवादित मामला लग रहा है। हमें पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और राजस्व निरीक्षक भी मौजूद हैं। आइए देखते हैं क्या मामला है, पीड़ित कौन है, प्रताड़ित कौन है, तो सवाल करते हैं। यहाँ पर प्रशासन भी अलर्ट है और राजस्व निरीक्षक भी आए हुए हैं। निर्माण जो है आबादी हो रहा है वही से 459 शुरू है। शुरू सर, थोड़ा सा आप बताइए, क्या नाम आपका? हमारा नाम राहुल चौहान है। अच्छा जी, और राजस्व निरीक्षक जी हैं यहाँ पे मौजूद हैं, थोड़ा से बैठ लेते हैं। काफ़ी पुराना मामला लग रहा है सर, इसमें क्या कहेंगे आप इनके बारे में? अब जैसे हम लोगों ने सीमांकन किया है इसका, ये 459 का अस्थगन है। अच्छा, अब बस यस या सदा यारह, तो सदा यारह अब कहाँ है उसी को देखने के लिए हम लोग सीमांकन कर रहे हैं। हाँ तो सदा यारह जो कि अस्थगन आदेश है उसमें हम लोग कुछ कर नहीं। हाँ, उसमें अस्थगन आदेश हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अस्थगन आदेश सर किस तरफ है, पूर्व है या पश्चिम? पूर्व। तो इनका इनका निर्माण सर किस तरफ हो रहा है? आबादी में निर्माण हो रहा है। आबादी में निर्माण हो रहा है। तो क्या ये निर्माण जो कर रहे हैं वो अपने यथास्थिति पे सही कर रहे हैं? यहाँ तक सही है, इसके इधर जाएंगे तो गलत है। अच्छा, मेरा दूसरा नंबर है। अच्छा, ये 459 नंबर उन लोगों के नाम से है जिसका मुकदमा चल रहा है इनके उनके बीच में जी। तो वो तो फाइनल करेगा न्यायालय, जो होगा होगा। और जो इनका निर्माण हो रहा है 460 नंबर आबादी में हो रहा है, इसी के लिए हम लोग दो तरफ से सीमांकन किए हैं। यही आया है, पक्ष विपक्ष दोनों उपस्थित हैं, दोनों की उपस्थिति में सीमांकन किया गया। अभी आप लोगों ने देखा सर, सर अपना परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम हरिंदर पासवान है, मैं सरायमीर का लेखपाल हूँ, संजरपुर का कानगो। सर आप? मैं कानगो हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हस्तगन आदेश जो है सादा के न्यायालय उच्च न्यायालय के अधिक, इस पे ये देखिए सामने जो टीम है, हम कैमरामैन से कहेंगे श्रीमान आप यहाँ पे दिखाया जाए हस्तगन जो है। मेरा नाम है राहुल चौहान जी, राहुल चौहान रौजाली अस्कान नोनिया टोला से बोल रहा हूँ जी। हमारे दिक्कत ये है कि सर आवास हमारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना आया है जो नहीं नगर पंचायत में है सर, शहरी आवास है। और कुछ इसमें जो पटीदार से विवादित न्यायालय में विचारधीन है 459, और जो आबादी हमारी मकान का है वो आबादी जो है, तो मैं अपने आबादी में मकान बना रहा हूँ। जो नंबर है वो 459 यदि के सामने है, यहाँ से टीन सब घेरा हुआ है, और इस्टे जो है 459 जो है सादा है न्यायालय के नक्शा लेके आओ। हाँ जी जी, ये स्टे जो है यहाँ से अस्थाई स्टे है। तो और इसमें कुछ जो पाटीदारी के मामले के, इसमें भू माफिया लोग हैं कुछ, इसमें सुजीत बर्नवाल हैं, दिलसाद अहमद है, पुत्र मुंशी है, और सुजीत बर्नवाल पुत्र सीताराम, और अकरम खान पुत्र अफजल खान जो सामने अभी आपके हैं, आपको मैं कैमरामैन से कहूंगा। इससे पहले आप कभी सीमांकन करवाए थे? इससे पहले मैं कितनी बार सीमांकन भी करवा चुका हूं, नेपाल साहब का रिपोर्ट भी लगा हुआ है। तो कौन से अधिकारी यहां पे, कौन से आरक्षण निरीक्षक में या कानूनगो में कौन से आए थे? कानूनगो में नेपाल साहब आए थे और पुलिस विभाग जी जी
और क्या बोलते हैं SDM साहब का स्पष्ट एकदम आदेश भी दिए हैं, हम आपको रिपोर्ट भी दिखा देंगे, इसमें सादा रिपोर्ट सादा रहा से यार प्रत्येक बना रहे हैं, मतलब बाहर बना रहे हैं, इस पर औरत पैदा ना करे, फिर भी भू माफिया लोग थोड़ा सा क्या है ना थोड़ा दबंगे में आएगा, और कुछ क्रिमिनल लोग किस्म के अभी 303 का जो कि सुजीत बनवाल एक है, सुजीत जी आप कह सकते हैं जी, इनके पास खुद 3-3 मुकदमा चल रहा है ना न्यायालय में, हाई कोर्ट में भी है, इधर भी है, आजमगढ़ में भी है, इनका चल रहा है 302 3-3 क्रिमिनल भी किए हैं, 3-3 मर्डर, हमारे जान माल के खतरा है ना सर श्रीमान, हम आपसे नहीं कहेंगे तो आप किससे कहेंगे, इसीलिए आज दो साल से हमारा ये सब प्रोग्राम चल रहा है। तो सर ये इनका कहना है कि देखिए हमारा जो सीमांकन है नक्शे के आधार पे हम लोगों तो सही निर्माण करवा रहे हैं, और ये नक्शे के जो है जो स्थगन आदेश है वो पूरब की तरफ बताया जा रहा है जी, और उसमें रिपोर्ट भी लगी है अधिकारी की, तो विवाद से बाहर है, तो क्या ये मतलब निर्माण करा सकते हैं? अब तो हम लोग रिपोर्ट देंगे साहब को। अच्छा, अब जैसा निर्णय लेना होगा SDM साहब लेंगे। अच्छा, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो राजस्व निरीक्षक और कानून को लेखपाल दोनों मौजूद थे, इन्होंने बयान दिया कि हम सीमांकन कर रहे हैं, जो भी उचित निर्णय लेकर हम लोग जो है रिपोर्ट लगाएंगे, उसी तरीके से जो है जो भी इनको आगे कार्रवाई करना होगा करते रहेंगे। तो यहाँ पे प्रशासन भी अलर्ट है, मामला काफ़ी विवादित लग रहा है, काफ़ी पुराना मामला है, यहाँ पे सरायमीन नोनिया टोला में हम लोग उपस्थित हैं, यहाँ पे और लोग भी हैं, पक्ष विपक्ष दोनों मौजूद हैं, यहाँ पर सीमांकन का कार्य कर रहे हैं लेखपाल जी, और वो आगे की रिपोर्ट लगाएंगे, तो जो भी इसमें खबरों में आप लोग बने रहिए, दिनेश प्रजापति और नीरज के साथ। नमस्कार, एक और न्यूज चैनल में आपका स्वागत है, मैं इंदु भारती, आप देख रहे हैं इस समय मैं उपस्थित हूँ सरायमी नोनिया टोला में, और यहाँ कुछ देख रहे हैं कि ग्रामीणों का कुछ परेशानी है, उनसे पूछते हैं। हटिए थोड़ा। हाँ मैम, आपका नाम क्या है? सुमन नेटवर्क के। और यहाँ कहाँ के रहने वाली हैं? हम यहीं के रहने वाले, सरायमी के। अच्छा, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है इसके बारे में हम नहीं बता सकते आपको। क्यों नहीं बता सकते? नहीं बता सकते ना, नहीं जानकारी नहीं बता रहे हैं। अच्छा, तो फिर यहाँ ऐसे देख रहे हैं देख रहे हैं आप लोग यूथ कॉर्नर, मैं दिनेश प्रजापति कैमरा नीरज के साथ, आइए देखते हैं यहाँ पे पक्ष विपक्ष दोनों मौजूद हैं, किसी को पैमाइश से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आई के? सर ये अस्थाई जो अभी आया है यहाँ पे, जो इधर से नापने में आया वही इधर से भी नापने में आया, दोनों तरफ से नापने में एक ही जगह आया। अच्छा, इन लोगों का आपत्ति थी कि वो सरहद से ले आइए, सरहद से आया गया, सरहद नहीं मिली, एक अस्थाई मेड़ मिली वहीं से आया गया है। अच्छा, सही दोनों निशान एक ही जगह मिला। इसमें सर विपक्ष कौन है? पक्ष ये है, विपक्ष वो क्या है, प्रभावती जी हैं। क्या इस विषय में आप कुछ कहना चाह रही हैं? चंद्रावती अपन मकान बनावे, हमारे वाली दरवाजा क्या नाम है? चंद्रावती। हाँ, हम सरामीर के रहने वाला है, हमारे वाली दरवाजा ना खोले पाऊँ, अपन मकान जहाँ है तहाँ बनवावे, और जहाँ से वकील साहब नाप के दे दिले वो अपना दरवाजा रोड पर कर लूँ।